बिजली विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बिजली विभाग से जुड़ा हुआ शिकायत सामने आ रहा है। यह तस्वीर हम आपको गायघाट प्रखंड क्षेत्र की दिखा रहे हैं। जमालपुर कोदई पंचायत में हरिपुर गांव की यह तस्वीर देखिए। बताया जाता है कि बाढ़ के समय में ही यहां बांध टूटने के साथ ही पोल टूटकर बह गया था, जिसके बाद से यहाँ नए पोल नहीं लगाए गए। विभाग के द्वारा मरम्मती नहीं किए जाने से इस इलाके में अभी भी लोगों को बिजली की सुविधा नियमित तरीके से और सुचारू तरीके से नहीं मिल पा रही है। लोगों में नाराजगी है। ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए यहाँ के लोगों ने अपनी बेबसी को बताया। जो तस्वीर आप देखेंगे ये बागमती नदी का बांध है। बांध में जो कटाव आया था उसके साथ ही यहाँ पर बिजली विभाग का पोल भी भंस गया था। हालांकि वो जो भंसा हुआ पोल है, जो गिरा हुआ पोल है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके अलावा लोग बताते हैं चार पोल जो है यहाँ गिर गए और तब से विद्युत आपूर्ति यहाँ प्रभावित हो गई। तो कैसे गिर गया था ये? वो माटी खाना ना सर, तो वो गिर गया। वह हुआ पर माटी खाना तो गिर गया, इसके झटका से सर इसमें लाखन भसता है। अच्छा, तो उसमें लग गया तो हुआ का तीन गो सर टूटकर गिर गया। तो चार गो पोल गिर गया टोटल मिला के, लेकिन दूसरा नहीं गड़वाया गया। कोई नहीं गड़वाया। कितना लोगों को परेशानी होता है, कितना की आबादी को डिस्टर्बेंस है? 5000। 5000 का। तत्काल में ग्रामीणों के सहयोग से बांस बल्लों के सहारे तार को बांधकर गांव में बिजली की सप्लाई की जा रही है। इस मामले की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई है। बौकची फीडर से इस हरिपुर गांव एवं आसपास के एरिया में बिजली की सप्लाई की जाती है, लेकिन बांस बल्लों के सहारे, आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बांस बल्लों के सहारे इस इलाके में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लोगों के लगातार डिमांड करने के बावजूद यहाँ विद्युत पोल का नहीं गाड़ा जाना अपने आप में सवाल है। आखिर बांस बल्लों के सहारे क्यों बिजली आपूर्ति की जा रही है? ये पिछले ही साल से टूटा हुआ, जब बाढ़ आया था 2 साल हो गया। तो कितना पोल का डिस्टर्बेंस है अभी? यहाँ से हो गया ये 2, 3, 4 चार पोल लगेगा। चारों पोल बाढ़ में टूट गया, धस गया नीचे। तो ये बांस पर गाड़ करके आप लोग बिजली जला रहे हैं? कितना परिवार को इससे लाइन मिलता है? इससे करीब 5000 के करीब। 11000 लाइन है कि 440 वाला? 440 वाला है। पोल लगना चाहिए जी, मांग करते हैं आप जी। इस बात की फिक्र और इस बात पर गंभीरता से पहल करने की जरूरत बिजली विभाग के अधिकारियों को नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके प्रति गंभीर नहीं है। स्थानीय विधायक से भी इस समस्या के संबंध में ग्रामीणों के द्वारा कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक इस समस्या का अस्थायी तौर से समाधान नहीं हो सका है। मात्र चार पोल के अभाव में इस इलाके में विद्युत आपूर्ति काफी खतरनाक तरीके से बांस बल्लों के सहारे की जा रही है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हरिपुर गांव के लोग परेशान हैं। बिजली के बिना अंधेरी रात में रहने को विवश हैं। हरिपुर गांव के बांध पर निवास करने वाले लोगों को खास तौर से परेशानी हो रही है। लोगों का बताना है कि बाढ़ के दौरान चार पोल का विद्युत तार और पोल पानी में बह गया, जिसके बाद से यह परेशानी है। यदि यहाँ विद्युत तार और पोल लगा दिए जाएं तो समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन विभाग के अधिकारी लगातार शिकायतों के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इलाके के लोग परेशान हैं।